इस कहानी में अब कैडेंस एक्टिव हो गई है, अब वो भी जो के शहर पहुंची है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किस तरह जो कैडेंस को जाने से रोक रहा था, वो कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ। कैडेंस कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और फिर वो निकल पड़ी। जो ने उसे रोकना भी चाहा। प्रेजेंट में जो कैडेंस के इस आगमन से अनजान है, वो तो फिलहाल लव के साथ अपनी लाइफ के मज़े ले रहा है। जब लव मेडिटेशन कर रही है तब वो बड़ी उत्सुकता से उसे देखे जा रहा है। लव को जो के साथ साथ अपने भाई फोर्टी को भी संभालना है। फोर्टी एमी के चक्कर में फंस गया है। लव फोन पर उसे समझाती है कि एमी से दूर रहो, पर फोर्टी को तो एमी का बुखार चढ़ा है, वो भला लव की क्यों सुने। हैंडी का मरना सुसाइड के रूप में न्यूज़ की तरह फैल गया है। सभी शॉक्ड हैं कि हैंडरसन सुसाइड कैसे कर सकता है, पर जो इस मर्डर को सुसाइड साबित करने में कामयाब हो गया है। लव को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हैंडी ने अचानक से सुसाइड कैसे कर लिया। यही बात डेलिया को भी समझ नहीं आ रही है कि आखिर हुआ क्या है। दो ऑफिसर्स डेलिया से पूछताछ करने पहुंचे हैं, पर डेलिया ने अपना पल्ला झाड़ लिया। वो कहती है कि एली का हैंडी से मिलना जुलना था, पर एली और डेलिया का इस सुसाइड से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल एली घर पर नहीं है, ये बहाना बनाकर डेलिया ने पुलिस वालों को खदेड़ दिया। इन सब के बाद वो दरवाज़ा बंद कर देती है। एली घर के अंदर ही है। एली के हाथ डेलिया की अश्लील फोटोज लगी हैं। एली इन सब की सफाई मांगती है कि उसकी बड़ी बहन को इस तरह की फ़ोटोज़ खिंचवाने की ज़रूरत क्या पड़ी। डेलिया कहती है कि हैंडरसन ने धोखे से ये फ़ोटोज़ खींची थी उसे ब्लैकमेल करने के लिए। एली को अपनी बहन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा, वो हैंडरसन पर काफ़ी भरोसा करती है। इधर लव अपने डैड की पार्टी में जो को अपने डैड से मिलाने लगी है। यहाँ लव की मॉम भी इन दोनों से मिलने आती हैं। इसी पार्टी में फोर्टी ने अपनी गर्लफ्रेंड एमी यानी कैडेंस से सबको मिला दिया। जब जो विल बनकर यहाँ आ सकता है तो भला कैडेंस एमी बनकर क्यों नहीं आ सकती। जो तो कैडेंस को देखकर शॉक्ड है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह जो ने कैडेंस को ज़बरदस्ती पकड़ा था, उसे बांधा था, उसे कार में रख कर जंगल में ले गया था। कैडेंस उसे कहती रही कि मुझे माफ़ कर दो। कैडेंस ने भागने की भी कोशिश की, पर जो ने उसे पकड़ लिया। पार्टी में ही अकेले में जो कैडेंस के पास आता है, वो पूछता है कि आखिर कैडेंस का इरादा क्या है। कैडेंस कहती है कि वो जो को बर्बाद करने आई है। अगले दिन यहाँ एक्ट किया जा रहा है। कैडेंस थोड़ी देर के लिए लव बनी है, जबकि जो इस एक्ट में उसके पास जाता है। नाटक में कैडेंस को जो को गले से लगाना है। जब वो ऐसा करती है तब हमें उसके फिंगर में रिंग दिखती है। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह कैडेंस को जो ने ज़मीन में गाड़ा था, पर कैडेंस वहाँ से भागी थी। ये सब याद करके कैडेंस अनकंफर्टेबल हो रही है। वो यहाँ से चली जाती है। जो अकेले में उसके पास जाता है। कैडेंस उसे चाकू लेकर मारने दौड़ती है। जो उसे चाकू छीन लेता है, फिर उसे पकड़ते हुए कहता है कि मुझे मार दो, मुझे इन सब से आज़ाद कर दो। कैडेंस उसे मारती नहीं है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। इतने में यहाँ फोर्टी और लव आ गए। अब तो लव को भी कुछ डाउट होने लगा है, पर उसने कुछ भी कहा नहीं है। इधर डेलिया का बॉयफ्रेंड उसे मिलने पहुंचा है। ये पार्टी लव के पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर रखी गई है। पहले तो फोर्टी गायब हो गया था, वो मिल नहीं रहा था। जो उसे ढूंढ कर लाता है, पर फंक्शन के दौरान वो धूम्रपान करने लगा। नशे में टुल फोर्टी को लव संभालने जाती है। बाद में फोर्टी को उसकी मॉम भी संभालने आती है। इन सब में फोर्टी और लव की मदर ने लव को तमाचा मार दिया। जो बाद में लव को संभालने जाता है। लव कहती है कि उसकी लाइफ में कभी शांति नहीं रही, इन रिश्तों ने उसे हमेशा दुख ही दिया है। जो यहाँ उसके बेहद करीब जाता है। दोनों यहाँ आपस में धुआंधार संभोग करते हैं। इधर एली को भी अकल आ गई है। वो डेलिया से कहती है कि इन फोटोज़ को जला देना चाहिए इससे पहले कि ये लीक हो जाएं। वो समझ चुकी है कि हैंडरसन ने डेलिया को धोखा दिया होगा। डेलिया एली को गले से लगाती है। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी बहन अब समझदार हो गई है। इधर कैडेंस प्रतिशोध की आग में जल रही है। जो जब उसे गाड़ कर चला गया था, तब कैडेंस जैसे तैसे खुद को बचा कर पुलिस स्टेशन पहुंची थी। उसने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई थी, पर कैडेंस के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिससे वो साबित हो सके कि उसके साथ वायलेंस हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में जो के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकल सकता है, वो भी 3 साल के लिए। कैडेंस को लॉ सिस्टम पर ही यकीन ख़त्म हो गया है। इतने में यहाँ जो आता है, वो कैडेंस से कहता है कि जो कुछ भी हुआ सब एक्सीडेंटली हुआ था। कैडेंस को ये सब भूल जाना चाहिए। कैडेंस कहती है कि अब तुम जो चाहे कहानी सुनाओ, पर इस कहानी का एंड मैं करूँगी। इधर एली और डेलिया फ़ोटोज़ को जलाने में लगे हैं। कुछ फ़ोटोज़ ये फ्लश भी करते हैं। अगली सुबह लव जो फोर्टी और कैडेंस मिले हैं। फोर्टी न्यूज़ में देखता है कि पुलिस का कहना है कि हैंडरसन ने सुसाइड नहीं किया,
बल्कि उसका मर्डर हुआ था। जो के होश उठ गए हैं, वो कैडेंस की तरफ देखता है और समझ चुका है कि ये सब कुछ कैडेंस ने ही किया है। कैडेंस भी जो से कहती है कि ये मेरा पहला दाव है। अब इस कहानी में क्या होने वाला है, क्या जो अपने आप को हैंडरसन के मामले में बचा पाएगा, कैडेंस उसके साथ आगे क्या करने वाली है, इन सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।